आंसर के पहले कंटेस्टेंट को पेश किया जाए पेश किया जाए पेश किया जाए मेरा नाम विष्णु है और मैं 27 साल का हूँ मैं डेरावसी का रहने वाला हूँ और मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी चाउमीन की दुकान चलाता हूँ मैंने जो सीखा है जो किया है मैंने उसी से किया है चाउमीन की रेडी लगा के किया है जितना मैंने डांस में डाला है किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सपोर्ट नहीं किया तो मेरे लिए अच्छा है चाउमीन ऐसा बुरा काम नहीं है मैं दुकान भी चला रहा हूँ डांस भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डांस के लिए पैसा चाहिए ट्रैवल के लिए मैं तो यही बोलती हूँ अपना पैर में खराब हो जा जल्दी दुकान में आ जा दुकान कर ले शादी कर ले अपना दुकानदारी कर ले भाई सुनते ही नहीं दुकान मैंने 400-500 में स्टार्ट किया था अपना काम में तो 100 रुपये भी कमाए हो तो अच्छा है कि मेरा मकसद है कि डांस में कुछ करूं क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि तुम नहीं कर सकते तुम डांस करके क्या करोगे इतना टाइम के साथ जो कुछ कर नहीं पाए उसके लिए क्या करना है लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते मैं अपने अपने काम पे अपने मकसद पे फोकस करा है मैंने जब कल मैं कुछ हो जाऊंगा तब उनको पता लगेगा तो नहीं बोलेंगे मेरा दिन शुरू होता है मैं सुबह प्रैक्टिस करता हूँ दिन में दुकान हो गया उसके बाद शाम को 3-4 बजे के बाद मैं रात को 12-1-2-3-4 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ रग रग में जोश की बूंदे बूंदों में जीत ही गूंजे इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में क्रम के लिए अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया मैंने और बॉडी बनाया उस हिसाब से बनाया जिस हिसाब से क्रम का बॉडी सेव होता है चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक चाउमीन वाला क्रम पर एक अच्छा डांसर तो बन ही सकता है अच्छा सुनो ये शो का फॉर्मेट पता है 90 सेकंड में कम से कम 3 बेस्ट मूव्स दिखाने ताकि हम तीनों इंप्रेस हो रेडी या विष्णु आपका जो स्वैग है किलर किलर थैंक यू सर शुरुआत करके आपने लीड अप लेके आपने साइड फ्लिप मारा वो साइड फ्लिप भी बहुत कमाल का था डिड अ वेरी बिग पावर मूव जहां पे आपने एक बैक फ्लिप मारा और सीधा फुल स्प्रिंट में आप चले गए दैट वाज अमेजिंग ओके और ये कैप ट्रिक्स जो आपने किए एक भी कैप ट्रिक मिस नहीं हुआ आपके तीनों के तीनों कमाल के थे यार Thank you, sir. Thank you.
I feel you're a nice example of what crump dance can be, especially at this level, jab hum dhoond rahe hain India's best dancer. For me, you are that one. Thank you, sir. Thank you. Vishnu, पहले जब आपने स्टार्ट किया आपने टोपी उतारी, फिर टी-शर्ट निकल गया, फिर एक जूता निकल गया, उसके बाद और कुछ निकलने वाला था? नहीं 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 ये आपका बॉडी ऐसे मतलब वर्कआउट से या क्रम्पिंग से? वर्कआउट की देवी यहाँ पे वर्कआउट की देवी देश जानना चाहता है कि विष्णु का बॉडी मतलब वर्कआउट से या ये क्रम्पिंग से? वी वांट टू नो डांस डांस क्रम करके सिर्फ हाँ जी सर से भी इंस्पायर हूँ बड़ा बॉडी आपने बनाया थैंक यू मैम वेरी गुड अच्छा लगता है सबको राइट आपको अच्छा लगता है आई एम ऑल फॉर फिटनेस एंड हेल्थ तो देश को अच्छा लगता तो देश को अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप डांस के अलावा कुछ और करते हैं आप? यस मैम मेरी चाउमीन की शॉप है वो चलाता हूँ कुछ टाइम पहले पापा का डेथ हुआ तो उसके बाद जो भी जिम्मेवारी है तो मैंने संभाला मम्मी और मैं इसे चाहता हूँ कि मैं यहाँ के इंडियाज बेस्ट डांसर बन के पहचान चाहिए कि मतलब एक विष्णु डांसर है ना कि विष्णु चाउमीन वाला ऐसा फिर ये चाहिए मुझे विष्णु अगर आप ऐसे डांस करोगे ऐसे आप सबको दिखाओगे कि देखो मैं कुछ कर सकता हूँ मैं कुछ बनना चाहता हूँ आई थिंक बस वही बहुत इम्पोर्टेंट बात है और आपका जो स्टाइल है आई लव इट थैंक यू मैम आई थिंक बच्चे अगर जब देखेंगे ना तो कहेंगे हाँ मुझे विष्णु की तरह डांस करना है विष्णु की तरह मुझे चलना है विष्णु की तरह कैप पहनना है मिलता है आपको ये थैंक यू मैम ये मेरी तरफ से बेस्ट का बजर आपके लिए थैंक यू मैम अब इससे बहुत ज्यादा उम्मीद जाग गया है काम किया उन सबको खत्म करूंगा और इंडियाज बेस्ट डांसर बनूं दिल जीत गया यार एब्सोल्युटली मस्त किया और यू नो इट्स ट्रू बिकॉज क्रम्पिंग इज नॉट एन ईजी स्टाइल एंड आई थिंक हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस स्थिति से गुजरते हैं और ये एक मिसाल बन जाते हैं सो इंस्पायरिंग यू नो अगले कंटेस्टेंट को प्लीज भेज दीजिए रेडी रेडी हर्ष ऑलराइट ओके ऑल द बेस्ट साउंड प्लीज या Thank you, Harsh. Thank you very much. Thank you. मैं entertain मतलब बहुत entertain हुई
जो लोग बैठे यहाँ पे उनको बड़ा मजा आया. सो आई डेफिनेटली हैव टू से इट्स अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. इट हैड एवरीथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर. मेरे तरफ से फ्लाइंग किस और बजर. बस ये तेरी हरकत है जिसकी वजह से मैं ये बेस्ट का बजर नहीं दूंगी. बेस्ट का बजर चाहिए? हाँ. मैं 90 सेकंड का क्लॉक चलाऊंगी. अगर उस 90 सेकंड तक तूने खुजलाया नहीं तो मैं बेस्ट का बजर बजाऊंगी. हाँ सब कर ले. 90 सेकंड तक कोई खुजली नहीं. वो 3, 2, 1 Start. Go clock. That's your clock. जैसे 90 सेकंड खत्म हो जाएंगे मैं बजर बजा दूंगी. हर्ष फोकस. तू गया. माइक बदल से दूर रख. हाथ दूर रख. ए ए बस स्टे स्टैच्यू. तेरी खुजली पे डिपेंड करता है तेरा आगे का. 19 18, 17, 16, 15, 13, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. हर्ष की कामयाबी को देखकर लगता है कि लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं. अगला कंटेस्टेंट प्लीज मंच पर आ जाए. रेडी? ओके लेट्स गो. म्यूजिक. दीपाली आप अच्छे बैली डांसर हो एंड आई थिंक आप में पोटेंशियल है बहुत सीखने के लिए. थोड़ा जो एंटरटेनमेंट का जो फैक्टर था वो थोड़ा कम था इस मंच के लिए आज मेरे लिए. आई एम सॉरी. ओह गॉड वन मोर बैली डांसिंग. एक ही आदत है जो आपको बदलनी पड़ेगी वो जो है 1, 2, 3, 3.5, 4 तक आप पहुंचते नहीं. Yeah. Struggling for the next step, why? वो मौका एक ही बार आता है.
उसका पूरा फायदा उठाना है, जो आज मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे रह गया। नेक्स्ट प्लीज। क्या है आपका नाम? रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर, एमपी। एमपी से। क्या करने वाले हैं? बैली डांस। अरे आप भी बैली डांस करने वाले? मतलब छप्पर फाड़ के बैली डांसर्स। दिखाइए रोहित, ऑल द बेस्ट। बट लुक एट द आर्च इन द बैक। इसे कहते हैं लचक। रेडी? म्यूजिक प्लीज। किल इट, किल इट। आपके जो 3 बेस्ट मूव्स थे, ओपनिंग जो सेक्शन था आपका, जिस तरीके से आपने अपने कमर हिलाई और जिस तरीके से आप नीचे उतरे उस कमर के साथ और फिर ऊपर उठे, ब्यूटीफुल। फिर जब मैया मैया का स्टेप आया और आपने एक बॉडी की वाइब्रेशन ली और फिर थम गए आप एक पल के लिए, फिर वापस शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपने म्यूजिक के साथ खेला, वाह, मतलब ऐसा लगा कि वो बीट चल रहा है और आप भी चल रहे हो उसके साथ। आपकी जो कमर हिल रही थी, कपकपा रही थी और उसका आपने कंट्रोल किया एकदम, मतलब छोड़ गया अपने बॉडी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट बनने की इस दौड़ में वो आगे बढ़ेगा जो अपनी कमियों को अपना दुश्मन समझेगा और हर रोज खुद को बेहतर बनाने के लिए उन कमियों से लड़ेगा, तभी तो वो पूरे इंडिया का दिल जीत पाएगा और बनेगा इंडियाज बेस्ट डांसर। Contestant, please. मेरा नाम है मंशा और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और मेरी एज है 20। मेरे को 9 साल हो गए डांस करते करते। मैं इस बार जो स्टेज पे एक डांस स्टाइल लेके आया हूँ अपनी, वो स्टाइल ही बहुत ज्यादा एडवांस है, तो 101% जो भी डांस फॉर्म को देखेगा उसे वो अच्छी लगेगी। इसलिए मैं इस मंच पे आना चाहता हूँ कि ये मंच मुझे इंडियाज बेस्ट डांसर का टाइटल दे सकता है मेरे को जो।
Ready? आप ready हो? Ready? चलो. Let's go. Music. Music, please. बताओ. अमन शाह. अमन शाह कहाँ से हो? ऋषिकेश उत्तराखंड. इतना जल्दी जो बोल रहा है. डांस से बहुत प्यार है. यस मैम. नयापन मुझे आपकी कोरियोग्राफी में लगा. एब्सोल्यूट. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंटरटेनिंग भी मुझे लगा क्योंकि उसने मुझे बांध के रखा. जैसे मेरी मतलब अटेंशन भटकने लग गई, ही कॉट मी एंड ब्रॉट मी बैक. सो आई लाइक दैट अबाउट यू. मैम मुझे तो अच्छा लगा है. अमन थैंक यू मैम. पहले जो आपने वो हिप ट्वर्किंग का जो मूव किया वो बहुत यूनिक था. और एक नीज के साथ कुछ किया ऐसे कुछ. ऐसे कुछ लड़कियों का वो स्टेप सो कूल. ये वो लड़की का स्टेप बड़ा मजा आया. वोकिंग वोकिंग आई लाइक इट. बोगिंग बोगी जो भी है मुझे बड़ा मजा आया. हाँ ऐसे कर रहा था. आई लाइक इट. देखो इट वाज रियली न्यू एंड नाइस एंड वंडरफुल. एक अच्छा एक फ्रेशनेस था व्हिच वाज. थैंक यू सो मच मैम. बट बिकॉज़ आई थिंक यू आर रियली कूल मेरे तरफ से. थैंक यू. और इतना जल्दी मतलब भागिए मत यहाँ से मेरे तरफ से. वाह. मैं कुछ बोलूं आपके पापा जो आपसे भी यंग लग रहे हैं. यस मैम. सब यही बोलते हैं. सर क्या चल रहा है मन में? कुछ बयां नहीं कर सकता. और सबसे खुशी की बात मेरे लिए है कि स्टेज तक पहुंचना जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है. इस बच्चे की वजह से मुझे ये नसीब और आपको लाइव देखने का मौका मिला. सर आप करते क्या हैं सर? एक्चुअली मैम मैं टूरिस्ट गाइड हूँ इन उत्तराखंड ऋषिकेश. मैं कभी नहीं आई हूँ. मैं जरूर आना चाहूंगी. अहो भाग्य मेरा कि आप मेरे घर पधारे. और मेरा एक सपना था आज से लगभग 30 साल पहले जब मैं यंग था इसके उम्र के लगभग का, तो मैंने सोचा कि मैं माया नगरी मुंबई में पहुंचूंगा. बट मेरी परिस्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंच सका. इस बच्चे ने मेरा वो पूरा EMI लौटा दिया. आज पहले इसने प्रूव कर दिया कि इसमें मेरी जैसी क्वालिटी है. मैं एक्टर नहीं बन सका नेवर माइंड. मेरा बच्चा स्टेज पे है आपके थ्रू और मैं आपकी दीर्घायु की उम्र करूंगा कि भगवान दिन दिन रात चौगुनी आपको तरक्की दे. ऐसे लोगों को पधारे. बहुत बहुत धन्यवाद. और एक चीज अपने जिंदगी का मेरा सच जो है वो ये है कि मैं जबरदस्त फैन हूँ मिथुन चक्रवर्ती का. अच्छा. हम भी है. पापा जो डांस करते हैं पूरा मिथुन सर का लुक आता है उसे. एक तो फिर डांस बनता है यार. दादा के गाने पे बेटा और बाप दोनों. I am a disco dancer. Very good.
अमन यस सर जब हम लोग डीएम कर रहे थे तो आप बोले सर मुझे नहीं लगता कि मैं आगे तक जाऊंगा यू नो वो मुझे वही सब बोले थे कि जब यहाँ पे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं ये देने पड़ते हैं मुझे पैसे देने पड़ेगा सर क्यों हमारा शो है तो आपको पैसे देने पड़े नो सर ये मेरे दिमाग से भी निकल चुका है क्योंकि जहाँ से मैं आया था वहाँ पे ये सब चलता था क्योंकि लोग अपने काम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते तो उन्हें खाली एक वो चाहिए होता था एक्सक्यूज कि वहाँ पे फेक है स्क्रिप्टेड है सब वहाँ पे ऐसे को लेते हैं वैसे को लेते हैं जो पैसे भरता है तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर माइंड में बैठ रखा था पर अब वो चीज़ पूरी क्लियर हो चुकी है अब मैं चौड़े में बोल सकता कि मैं पहुँच गया अमन सर थैंक यू फॉर नॉट डिसअपॉइंटिंग मी तो उसके लिए All the best for the next round. Thank you. ये definitely बनता है. जहां अमन ने अपनी नई डांसिंग स्टाइल से जजेस का दिल जीत लिया वहीं बहुत से कंटेस्टेंट्स ने अपनी डांसिंग ट्रिक्स और स्टंट्स से बेस्ट का बैच पाने की पूरी कोशिश की ऑल द बेस्ट आजकल का जो दौर चल रहा है एवरीबॉडी इज लर्निंग पावर मूव्स और मैं यही कहता हूँ कि पावर मूव्स जो होते हैं नमक की तरह होनी चाहिए ऊपर से छिड़क दिया लेकिन मेजॉरिटी जो पोर्शन होना चाहिए वो डांस का होना चाहिए स्टंट पे स्टंट स्टंट पे स्टंट स्टंट पे स्टंट लेकिन बेस नहीं मिल रहा मिलॉर्ड अगला डांसर बेस्ट ही भेजना मैं साध्वी मजुमदार हूँ मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ और मैं 22 साल की हूँ मैं 2.5 साल की थी जब मुझे पता चला कि मुझे डांस करना है मेरी लाइफ में मेरी पहली गुरु मेरी माँ है मैं 17 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ India's best dancer में आई हूँ दो reasons की वजह से First reason is, I think India's best dancer का platform मेरे लिए गुरुकुल होगा और मेरा दूसरा reason ये है मुझे ऐसा लगता है कि Indian dance forms को लेके awareness थोड़ा कम है अभी तक दिखाना है कि यार हमारे पास जो है वो कितना सुंदर है And what better than this platform to showcase this? Oh, nice. Pretty, pretty. Nice. Hi. All the best. Sound, please.
beautiful dancer. Can I do one thing? Sadhvi, I'm your fan. I'm your fan. Beautiful. This is what I was missing. Just dance. No tricks, no shines, but just pure dancing. Wo nazakat, wo ada. Aapne kitne sare classical dances ko mix karke. It was not one. Hamare jo desh mein 8 classical dances mein at least 3 ko maine dekha. 3 styles dekhe jo bahut achhi tarah se jode aapne usko. क्या कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है. दिस इज अ फाड़ेश्वरी परफॉर्मेंस. वेल डन, वेल डन साथी, वेल डन. नब्बे सेकंड्स आपको दिए गए कि वो कम थे. एब्सोल्युटली कम थे. और थोड़ा वक्त होता, मेरे तो आंखें तरस रहे थे टू सी अ ब्यूटीफुल क्लासिकल डांस. वाकई इतने सारे हमने परफॉर्मेंसेस देखे हमारी ऑडिशंस में, अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म में हमने देखा, लेकिन दिस वॉज समथिंग दैट वॉज मिसिंग. आई ट्रूली फेल्ट दैट. और आज मैंने देख लिया तो मैं बहुत खुश हूँ. ट्रूली वॉट एवर यू हैव डन टूडे हैज बिन आउटस्टैंडिंग. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ फ्लाइंग किस. दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू गिव यू. आउट आउटस्टैंडिंग. अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम. स्टूपेंडो, फैंटास्टिक, फैंटास्मगोरिकली मैजिकल, ब्रिलियंट. तेनु से जादू किया, मुझे एक बात बताइए, तो आप आगे जा ही रहे हो, अगर आप और आगे जाती हैं तो कैसा लगेगा, क्या करना होगा? लोगों को लगता है कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स करके कुछ जगह नहीं मिलता उनको ऐसे बड़े रियलिटी शोज में. आई एक्चुअली वॉन्ट टू प्रूव दम रॉन्ग कि नहीं, इफ यू हैव एक्सपीरियंस एंड यू यू नो इफ यू हैव लर्न समथिंग एंड आई थिंक यू कैन डू इट. और क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर सो ब्यूटिफुल एंड उसका कोई एंड नहीं होता. आप जितना सीखो उतना आपको अच्छा लगेगा, और जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा. You know, she personifies the tagline कि जब तक best नहीं तब तक rest नहीं. वो मेहनत किए गए 17 साल, कौन करता है 17. आजकल के बच्चों में है ही नहीं वो इतना कि हम इतनी मेहनत करें. साथ ही और कोई स्टाइल सीखती हैं आप? I do contemporary but I do not have formal training in contemporary but मैं सिखाऊंगा आपको. Yes sir, please. ये डांस के डॉक्टर हैं, डॉक्टर टी. सिखा दूंगा, सिखा दूंगा. चलो आपको एक टीचर गुरु भी मिल गए. आई वुड लव टू, दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू. आई एम वेटिंग. मैं अब रुकूंगी कि आप कब आगे के राउंड को पार करें. एंड आई कैन सी मोर ऑफ योर डांसिंग. इट्स सो ब्यूटीफुल. मैम दिस इज सो प्रेशियस. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बाय. सो वंडरफुल यार. So graceful. Very graceful. Everything. Thank you. Next contestant, please. Teri hasrat ho, ya ibadat ho,
मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं ब्रेकिंग प्लस कंटेम्प्ट करता हूँ। इस कंपटीशन में लेवल बहुत हाई है। अगर मैंने अपने आप को 90 सेकंड में प्रूव कर लिया तो मेरे लिए पूरा करियर बदल जाएगा। मैं फेमस हो सकता हूँ। मैं आज स्टेज पे पूरी आग लगाने वाला हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये साबित करके जाऊंगा आज। Ready, ready, Suraj? Ready? Start. All the best, Suraj. Ma. 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 Oh, jina, jina, jina. गुला गुला माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे गुला गुला माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे गुला गुलाल मारी तेरी चुनरिया लहराए जो किया वाकई वो वाकई डांस था। आपने सिर्फ एक्रोबैटिक्स नहीं किया, अगर वो भी करते तो मैं बोलता कि यार कैसे, लेकिन आपने डांस भी किया, इमोशंस भी दिया, ठहराव भी दिखाया, जो हम सब कुछ देखते हैं एक अच्छे डांसर में वो आपने दिखा मुझे। सूरज जी आप करते क्या हैं डांस के अलावा? मैं डांस के अलावा मैम पढ़ाई करता था, बट मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी मैम उस टाइम कि मैं क्या हूँ। बस लाइफ जा रही थी मैं को खुद पे बिलीव नहीं था मैम कि मैं डांस कर पाऊँगा। मेरी मम्मी पापा को भी यकीन नहीं था कि मैं डांस कर पाऊँगा, लेकिन मेरे को भरोसा है अपने मूव्स पे, अपने डांस पे कि मैं इंडिया में चमकूंगा, पक्का चमकूंगा। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मैं। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मैं। आप जब बात कर रहे थे ना, आपका डांस खत्म हुआ तो हम सब खड़े हुए और फिर मैंने वहाँ देखा तो एक वहाँ पे महिलाएं जो रो रही हैं काफ़ी देर से। आप के रिश्ते में हैं कोई, आपके रिश्तेदार हैं? मेरी मम्मी पापा आए सर। आइए ना प्लीज़ आइए। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सूरज ने कहा कि आपको भरोसा नहीं था कि वो कुछ करेगा डांस में, क्यों भरोसा नहीं था? इसके होने के बाद हमको लगा कि हम क्या कैसे पढ़ी से इसको हम कर पाएंगे,
इससे जैसे इससे छोटा दो भाई हुआ तो वो चलता था फिरता था दौड़ता था तो ये बार बार हमसे ये सवाल करता था मम्मी वो दौड़ रहा हम क्यों नहीं दौड़ रहे हैं लेकिन जैसे जैसे इसको होश आया अपने आप ही संभाल लिया ससुराल रहना छोड़ दिए वहाँ सब लोग देखते कि इसको बहुत कुछ बोलते थे लेकिन हमको हम सोचे हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन इसका माइंड पर क्या असर पड़ेगा इसलिए हम वहाँ रहना छोड़ दिए अब लगता है कि जब ये डांस करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है लगता है अब जीने के सहारा मिल गया सूरज मुझे लगता है वो दिन रोने के चले गए बेटा यस मैम थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़